जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के न्यू वीडियो पे। ध्यान दे रहे भी छात्र छात्र एल एन एम यानी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, आप लोग बीए बीएससी बीकॉम करना चाहते हैं जिनका सेशन आप लोग 2024 से 2028 होगा, उन लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन आप लोग यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है। उसमें आप लोगों को जो चीज़ जानकारी बताई गई है वो चीज़ आप लोग को हम बताएंगे, साथ साथ आप लोग को ये भी हम बताएंगे कि आप लोग का एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला है, कितना पैसा रहने वाला है आप लोग का एडमिशन में, कितना मेरिट लिस्ट आने वाला है, कब मेरिट लिस्ट आप लोग का जारी किया जाएगा, कैसे अपना चेक कर पाएंगे किस ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ अभी से 4 साल तक बने रहेंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के जो सीनियर भाई है बहन है ना, उन सभी के लिए भी आप लोग को फ्री ऑफ कंटेंट आप लोग को मिलता है, स्टडी के लिए आप लोग को भी सारा कुछ मिलता रहेगा। और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा, ये चैनल आप लोगों के लिए बिहार के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का कंप्लीट जानकारी हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। अच्छा लगे तो जानकारी को शेयर कीजिएगा। साथियों ये आप लोग का नोटिफिकेशन निकल के आता है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से। देखिए आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे कब निकाला गया है, ये आप लोग का 31 तारीख को निकाला गया था, लेकिन इससे आप लोग का जानकारी जो है सब जानकारी दिया गया, आप लोग का मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। साथियों आप लोग का मेरिट लिस्ट जब जारी किया जाता है उससे पहले आप लोग का एक प्रोविजनल लिस्ट जारी किया जाता है, समझ, ताकि आप लोग उसमें देख पाओ आपका नाम और आपका मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट किए हो वो आप लोग का सही है या नहीं है, तो उस सभी आपको चेक करके हम बताएंगे। फिलहाल पहले नोटिफिकेशन को आप पढ़ के समझिए क्या लिखा हुआ है। आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 4 वर्ष स्नातक में आप लोगों ने जो है आर्ट साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में आप लोगों ने जो है अप्लाई किया ऑनलाइन एडमिशन के लिए, उस जिसका कि आप लोग का सेशन क्या 2024 से 2028 आप लोग का रहने वाला है। बहुत सारे आपके ऐसे साथी भी थे जो आप लोग का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, उनको फॉर्म भरने का अप्लाई करने का तिथि भी आप लोग का जब 5/6/2024 तक दिया गया था, जो छात्र छात्रा अभी तक अप्लाई नहीं किए थे एडमिशन के लिए वो 5/6/2024 तक अप्लाई कर सकते थे लेट फी के साथ। लेकिन आप लोग का जो अपडेट ये खत्म हो चुका है, अब आप लोग का जो मेरिट लिस्ट है कब जारी होगा उसको बताते हैं आप लोग को। देखिए कहते द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ ऑनलाइन अप्लाइड स्टूडेंट विल बी पब्लिश्ड ऑन 7 तारीख को आप लोग को जारी किया जाएगा, 7/6/2024 को आप लोग का प्रोविजनल लिस्ट जारी किया जाएगा। कहिएगा सर हम लोग कहाँ से चेक कर पाएंगे, डियर आप लोग को परेशान बिल्कुल नहीं होनी है, चेक करने के लिए मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम का, समझे, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। जैसे ही आप लोग का जारी किया जाएगा सबसे पहले आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा PDF, उसमें अपना नाम चेक कर पाएंगे और सबसे पहले अपडेट के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन को घंटी को दबा के रखिएगा, सर जैसे ही अपडेट आपका आएगा हम आपको बताएंगे। प्रोविजनल लिस्ट के माध्यम से आप लोग का एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ इसमें आपको ये बताया जाएगा आप लोग का नाम सब चीज़, आप लोग का फादर्स नेम मेजर नेम सब्जेक्ट नेम सारा कुछ सही है नहीं वो आपको देखने के लिए, ठीक है। वैसे हम आपको सारा कुछ आके बताएंगे जब आपके ये जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग का जो है आप लोग का फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा, प्रोविजनल लिस्ट आप लोग का 8/6/2024 से लेकर आप लोग का 9/6/2024 तक आप लोग को वहाँ पर देखना पड़ेगा आप लोग सारी जानकारी, तो उसके बाद आप लोग का एडमिशन जो है लिया जाएगा। हम बस इतना ही कहेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को, आप लोग बिल्कुल नए हो हमारे चैनल पे, आप लोग से पहले आप लोग जितने भी सीनियर हैं सभी को यहाँ से अपडेट मिलते आया है, अब आप लोगों की बारी है, आप लोग हमारे साथ जुड़िए और जितना उसके सभी साथियों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप लोग एक भी चीज़ आप लोग को सही समय पर नहीं मिलेगा तब बताएंगे, ठीक है। और आप लोगों के लिए हम लोग दिन रात काम करते हैं कि आप लोगों का कहीं से कुछ भी किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन छूट ना पाए, कोई भी छात्र छात्राएं पीछे ना रह जाए, ठीक है, क्योंकि हर एक साल हमारे साथ बहुत सारे छात्र छात्राएं होते हैं जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाते तो उनको दिक्कतें होती है। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। 7 तारीख का इंतजार करेंगे, 7 तारीख को हम आप लोग को अपडेट करेंगे, उसके लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा और वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिएगा दोस्तों में।